नांदेड़ शहर के देगरुनाका इलाके में फिरोज पठान की जानिब से ऐटो चालक मालक संगठनाओं के जिम्मेदारान की गुलपोशी तकरीब मुनक्किद की गई। वाज़ेह हो के 2 दिसंबर के रोज़ ऐटो चालक मालक संगठनाओं की पूना में एक मीटिंग मुनक्किद हुई, जिसमें बाबा साहब कांबड़े की जेर सदारत में ये मीटिंग मुनक्किद की गई। इसी मीटिंग में बाबा साहब कांबड़े को महाराष्ट्र कुर्ती समिति का सदर नामजद किया गया। इसी मीटिंग में वैजनाथ देशमुख को महाराष्ट्र कारगुजार सदर नामजद किया गया। इसी तरह मिर्ज़ा नवाब बेग को मराठवाड़ा सदर नामजद किया गया। वहीं नांदेड़ के गौस भाई को मराठवाड़ा सेक्रेटरी, इसी तरह शेख अजीज़ भाई को नांदेड़ ज़िला सदर व दिगर जिम्मेदारान को मुख्तलिफ जिम्मेदारियां सुपुर्द की गई। इस मौके पर देगलुनाका इलाके में मिर्ज़ा नवाब बेग की सालगिरह तकरीब के मौके पर केक काटकर जश्न मनाया गया। इस तकरीब में फिरोज पठान ने तमाम अहदेदारान की फूलों के हार पेश करते हुए पुरतबाक इस्तकबाल किया। आज आमचे जुने मित्र गेले अनेक वर्षापासून आमच्या ऐटो चालकांना सहकार्य करणारे सन्माननीय फिरोज भाई यांनी आमचा ह्या ठिकाणी छोटे खानिका होईना आमचा मान सन्मान सत्कार ह्या ठिकाणी केलेला आहे। गेल्या 2 डिसेंबर रोजी महाराष्ट्रातून वेगवेगळ्या जिल्ह्यांमधून जवळपास 36 जिल्ह्यांमधून पुणे येथे सर्व संघटना सर्व पक्षाचे लोक येऊन एक मुखाने एक दिलाने एक संघाने महाराष्ट्र राज्य ऐटो चालक मालक कृती समितीचे अध्यक्ष आदरणीय बाबाजी कांबळे साहेब, तसेच नरेंद्रजी गायकवाड साहेब, काशी मुलानी महाराष्ट्राचे सरचिटणीस आणि आमचे गफार भाई कराडचे, त्यांना महाराष्ट्राचं फाउंडेशन अध्यक्षपद दिलेलं आहे त्या ठिकाणी, आणि आमचे मित्र आदरणीय नवाब मिर्झा बेग यांना मराठवाडा अध्यक्ष केलेला आहे, तसेच शेख अजीज जिल्हा अध्यक्ष आणि गौस भाई यांना महाराष्ट्राच्या सरचिटणीस पदी गेल्या 2 तारखेला आमची सर्व बहुमतांनी निवड झाली। त्याच निवडीचा जल्लोष ह्या ठिकाणी सर्व माझे मित्र गेल्या 25 वर्षापासून आम्ही आमचा संघर्षच ऐटो चालक या चालकाच्या माध्यमातून झालेला आहे। हे सर्व सहकारी बांधव माझ्या 25 वर्षापासून खांद्याला खांदा लावून काम करण्याचं काम करतात, आणि जेव्हा जेव्हा ऐटो चालकावर अन्याय होतो त्यावेळी तुटून पडण्याचं काम हे सर्व सहकार्यांनी केलेलं आहे। बांधवांनो, आमचे नवाब भाई असतील, शेख अजीज असतील, गौस भाई असतील, फिरोज भाई असतील, यांनी जेव्हा जेव्हा ऐटो चालकावर अन्याय झाला, पोलीस प्रशासन ऐटो असो की RTO असो, जेव्हा जेव्हा अन्याय झाला अन्यायाला वाचा फाडण्यासाठी माझ्यासोबत या बांधवांनी सहकार्य केलं, म्हणून इतकी मोठी जबाबदारी आज महाराष्ट्र रिक्षा चालक मालक कृती समितीच्या महाराष्ट्राच्या राज्याच्या कार्याध्यक्षपदी माझी निवड केलेली आहे। सर्व बांधवांनी माझी विनंती आहे, जो कोणी ऐटो चालकांना RTOचे अधिकारी जर त्रास देत असतील तर महाराष्ट्र रिक्षा ऐटो चालक मालक संघटना हे कदापि सहन करणार नाही। भविष्यामध्ये उग्र स्वरूपाचं आंदोलन या सर्वाच्या साथीनं ह्या ठिकाणी केलं जाईल। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। पिछले 2 दिसंबर को पूरे महाराष्ट्र के ऑटो चालक मालक संगठनाओं की एक महत्वपूर्ण बैठक पुणे के अंदर बाबा कांबळे साहब की अध्यक्षता में रखी गई थी। उस अध्यक्ष में महाराष्ट्र ही उस मीटिंग में महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि पूरी हिंदुस्तान से पूरे मोटर चालक मालक संघों के फेडरेशन के अध्यक्ष भी वहां पर मौजूद थे। दिल्ली, कश्मीर, राजस्थान, कर्नाटक तमाम स्टेटों से वहां पर तमाम लोग आए थे। उसी तरह महाराष्ट्र की कृति समिति की भी मीटिंग रखी गई थी और उस कृति समिति में जितने हमारे महाराष्ट्र के अजला के जो अध्यक्ष हैं उन तमाम ने अपनी तमाम राय से महाराष्ट्र की कृति समिति के अध्यक्ष पद पर बाबा कांबळे साहब का चयन किया गया। उसी मीटिंग में हमारे महाराष्ट्र के कार्य अध्यक्ष पद पर मेरे खास दोस्त जो ऑटो वालों के लिए हमेशा संघर्ष करते हैं वैजनाथ देशमुख साहब का महाराष्ट्र कार्य अध्यक्ष पद पर चयन किया गया। उसी मीटिंग में मुझे भी मराठवाड़ा का अध्यक्ष बनाया गया। मेरे दोस्त गौस भाई
उनको जो मराठवाड़े का सेक्रेटरी और नांदेड़ ज़िले का अध्यक्ष बोल के अजीज भाई को बनाया गया। हम तमाम लोग 25-30 सालों से ऑटो वालों की तमाम तर जिम्मेदारियों को मद्देनज़र रखते हुए उनके लिए हम संघर्ष करते, उनको जो भी प्रॉब्लम्स आते वो सॉल्व करने के लिए तमाम ही लोगों ने हमने अभी तक संघर्ष किया है। और यहाँ पर जनाब हमारे फिरोज़ भाई जो ऑटो वालों को हमेशा सहकार्य करते हैं, उन्होंने हमारी इस निवड़ पर यहाँ पर आज एक छोटी सी तकरीब के तौर पर हमारी गुलपोशी की, महाराष्ट्र के कार्याध्यक्ष की गुलपोशी की, तमाम ही जिम्मेदारान की गुलपिश की। और मैं यहाँ पर, मेरा आज जन्मदिन भी था, बर्थडे था, तमाम भाइयों ने केक मंगा कर आज मेरा बर्थडे भी विश किया मुझे और मनाया। इसके लिए मैं तमाम ही लोगों का, तमाम ऑटो चालक मालक का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हुए उनका धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आज जो गुलकुशी का जो प्रोग्राम रखा था, सभी भाइयों को, जो सभी भाई मेरे ऑटो वाले आए, सबको तहे दिल से मुबारकबाद। और नवाब भाई, वैजनाथ भाई और अजीज़ भाई, गौस भाई को भी मुबारकबाद।